Shakti Mariam, Zindabad! Ali Baba, Zindabad! Jadugar Roshni, Zindabad! नहीं 40 चोरों को आग लगाई फिर ये सिमसिम शायद 40 चोर और सिमसिम आपस में जुड़े हुए हैं इसलिए चोरों को आग लगाते ही सिमसिम भी खाक होने लगी ये क्या हो रहा है अम्मी और अली को लगता है बाबा और अम्मी जान की जान खतरे में हमें समझ नहीं आ रहा हम करें तो क्या करें आपको उनकी तालीमता तोड़नी होगी जब तक ये 40 चोर हमारे नूर और 40 मान की पाक आग से जलकर राख ना हो जाए और हमारी तालीमता खुद ब खुद ना टूटे इस पाक घेरे को टूटने मत देना पर हम ये कैसे कर सकते हैं अम्मी ने हमें कहा था कि कुछ भी हो जाए पर ये पाक घेरा नहीं टूटना चाहिए मर्जीना वो तो अली ने इसलिए कहा था क्योंकि तब सिमसिम का खतरा था और अब तो 40 चोर और सिमसिम खाक में मिल चुके तो अब किस बात का डर हाँ अब किस बात का डर बाबा को नहीं बोल सकते हम नहीं बोल सकते हमें बचाना ही होगा हमें रश्मि को बचाना ही होगा हमें अली बाबा को मर्जीना क्यों तोड़ी हमारी तालिंता क्यों जगाया हमें आप लोगों ने ये पाक घेरा क्यों तोड़ा अरे क्योंकि आपकी और अम्मी की जान मुसीबत में थी मर्जीना मैंने तुमसे कहा था कि किसी भी कीमत पर ये पाक घेरा नहीं टूटना चाहिए नहीं तो सिमसिम चोरों के साथ साथ सिमसिम खाक हो गई अली सिंह जैसी शैतान का खात्मा इतनी आसानी से तो नहीं हो सकता और हमारी तलिंता भी खुद ब खुद नहीं टूटी है इसका मतलब है कुछ गलत होने वाला है खुद को खत्म होता दिखाना सिमसिम की चाल थी अली जल्दी से तालिस्मान ले लो अली बाबा के होते हुए शैतान कभी नहीं जीत सकते सिमसिम अली!
इब्लिस हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है सिमसिम, और अब तेरी बारी। अम्मी, आज अब्बू और आपका अधूरा ख्वाब पूरा हो गया। इब्लिस हमेशा के लिए जल के खाक हो गया, पर फिर भी आप खुश क्यों नहीं है? क्या हुआ अली? तुमने इब्लिस के जिस्म को जलाकर खाक जरूर कर दिया है, पर उसके साथ साथ उसकी रूह को भी आजाद कर दिया। मतलब अब तक इब्लिस की रूह कैद में थी, और तालिस्मान की ताकत से वो कैद टूट गई। अब तक तो इब्लिस की रूह आजाद होकर जहन्नम भी पहुंच गई होगी, और वो अपनी शैतानी ताकत से इस दुनिया में कभी भी वापस आ सकती है। अली, इब्लिस हमेशा से शैतान नहीं था। इब्लिस एक फरिश्ता था, खुदा का सबसे अजीज फरिश्ता। बस इसी बात का उसे गुरूर हो गया, और उसी गुरूर के चलते उसने बाकी फरिश्तों को खुद की इबादत करने का हुक्म दिया। इस बात से खुदा नाराज हो गया और उसे जन्नत से निकाल दिया। अली, कायनात में दो ताकतें होती हैं, एक काली ताकत और एक पाक ताकत। जन्नत से निकाले जाने के बाद इब्लिस ने सबसे काली ताकत को हासिल किया और शैतान बन गया। लेकिन पैदाइशी फरिश्ता होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बस उसकी रूह को कैद किया जा सकता है, और तुम्हारे अब्बू ने वही किया। तालिस्मान की ताकत से इब्लिस की रूह को कैद कर लिया। तेरी जान बसती है ना इस तालिस्मान में, ना रहेगा ये तालिस्मान, ना रहेगा तू। सिमसिम ने फिर से एक बार तालिस्मान की ताकत से उसकी रूह को आजाद कर दिया। अली, तुमने उसके उसके जिस्म को जलाकर खाक जरूर कर दिया, पर उसकी रूह दुनिया पर कहर बरसा सकती है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था अम्मी कि इब्लिस के भाई बहन होंगे, क्योंकि अगर ऐसा है तो सिर्फ वही है इस पूरी कायनात में जो इब्लिस का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर सकते हैं। मुझे माफ कर दीजिए। सिमसिम, जिस्म तो बस एक खिलौना है रूह का, इसीलिए जाओ और अब मेरी खातिर एक नए जिस्म की तलाश करो। एक ऐसा जिस्म जिसमें शैतानों के शैतान इब्लिस की रूह को संभालने की ताकत हो। सिमसिम इब्लिस के लिए एक नए जिस्म की तलाश कर रही है।
और इसके लिए वो न जाने कितने मासूमों की जान ले चुकी है। नहीं, हम सिमसिम को ऐसा नहीं करने दे सकते। हमें उसे रोकना होगा गुरुजी, हमें उसे किसी भी हाल में रोकना होगा। सिमसिम के पास तलिस्मान है अली, और तलिस्मान की ताकत के आगे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हम उसे रोकेंगे कैसे? एक तरीका है। कौन सा तरीका? मैं जानता हूं तुम इब्लिस की रूह के लिए एक जिस्म ढूंढ रही हो, इसलिए मैं इब्लिस की रूह को अपना जिस्म देने के लिए आया हूं। बस बदले में मेरे अपनों की जान लेना बंद कर दो सिमसिम। अली ऐसे कैसे कर सकता है? बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है? हे खुदा, हिफाजत करना मेरे बच्चे। साहिबा, साहिबा, अली तुम्हारा बेटा है, वो बिना सोचे समझे कुछ नहीं करेगा। गुरुजी, आप लोग यहाँ? अली नहीं हमें यहाँ बुलाया है। सिमसिम को उसकी गुफा में हमेशा हमेशा के लिए कैद करने के लिए उसने एक नायाब तरकीब बनाई है। पर गुरुजी, सिमसिम के पास तालिस्मान है, उसके सामने कोई भी तरीका या कोई भी ताकत काम नहीं आएगी। साहिबा, इसीलिए तो अली ने अक्लमंदी से काम किया है। जब सिमसिम उसकी जान लेने की कोशिश कर रही होगी, तब हम सब एक साथ अपनी पूरी पाक ताकत से उसे उसकी गुफा में कैद कर देंगे। 40 चोरों का तो खात्मा हो ही चुका है, अब अगर सिमसिम भी गुफा में कैद हो गई तो इब्लिस कभी भी इस दुनिया में नहीं आ पाएगा। इंसानों की यही बात खास होती है सिमसिम, वो जीते भी साथ हैं, मरते भी साथ हैं और लड़ते भी साथ हैं। कुछ भी हो जाए, सिमसिम को तालिस्मान का इस्तेमाल मत करने देना। आपा, आपा। देख रही हो ये तबाही का मंजर, जल्द ही ये तबाही तुम्हारी दुनिया में बरसने वाली है, क्योंकि तुम्हारी दुनिया में मैं आने वाला हूँ। शहंशाह शैतान, इब्लिस, इब्लिस। ले जाओ अपने अम्मी को। मेरे पास वक्त नहीं है जाया करने के लिए, मुझे जल्द से जल्द मेरे नूरे निकाह के रोग के लिए जिस्म ढूंढना आपका।
खुद की जिंदगी के लिए दूसरों को मौत का सौगात देने वाला, अपने हुनर और ताकत से मौत को भी मात देने वाला। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? एक खूबसूरत हसीना को एक ताकतवर इंसान से क्या चाहिए? उसकी रूह। क्या हुआ आपको? कौन अम्मी? कौन लौट कर वापस आ रहा है? वही जो दुनिया को तबाह करना चाहता है, जो चाहता है कि फरिश्ते उसका सजदा करें, वही जिसके पास खाली ताकतों से भरा हुआ काला दिल है। इब्लिस? हाँ अली, उसने मुझे बुलाया था मेरी रूह को ये ख्वाब दिखाने के लिए कि वो वापस लौट के आ रहा है। इसका मतलब है उसे बहुत जल्द एक नया जिस्म मिलने वाला है। पर अम्मी, आपको ये सब कैसे मालूम? आप इब्लिस की रूह से कैसे बात कर सकती हैं? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं, एक दूसरे के रूह में जान सकते हैं। पर कैसे अम्मी? शैतानों के शैतान इब्लिस से आपका क्या नाता? हम एक सिक्के के दो पहलू हैं। मैं ही हूं वो शख्स जिसके पास पाक ताकतों से भरा रोशन दिल है। मैं ही हूं इब्लिस की बहन। अली मेरे बेटे, ये जंग हमारे जज्बातों से कहीं ज्यादा बड़ी है। इस पे इंसानों की किस्मत टिकी हुई है, पूरी कायनात की मुस्तबिल है इस पे। इसलिए ये काम सिर्फ तू ही कर सकता है, सिर्फ तुम ही कर सकते हो अली। क्योंकि मेरे बेटे होने की वजह से मेरा ये रोशन दिल सिर्फ तुम ही निकाल सकते हो। अम्मी, एक बेटे का फर्ज होता है अपनी अम्मी की हिफाजत करना, उसकी जान लेना नहीं। मैं ये हरगिज नहीं कर सकता। अली, एक माँ की कुर्बानी देकर तुम हजारों माओं की जिंदगियां बचा सकते हो। मैं सारी माओं को बचाऊंगा अम्मी, पर अगर इसके लिए मुझे किसी की जान भी लेनी पड़ी तो मैं लूंगा, पर आपकी नहीं, सिब्लिस की। अली, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरी जिंदगी से कई ज्यादा जरूरी मेरा दिल है, और इसे मैं किसी भी हालत में किसी के हाथ नहीं लगने दे सकती, नहीं दे सकती। हे खुदा, या खुदा। मेरे नूरे ने कहा,
मेरे शैतानों, वक्त और जरूरत पड़ने पर तुम्हें फिर याद करूंगा। मेरी सिमसिम, मेरे नूरे निगाह, मेरी रूह के लिए एक मुकम्मल जिस्म सिर्फ और सिर्फ तुम ही ढूंढ सकती थी। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी रूह लौटकर वापस मेरे ही जिस्म में आई हो। वही काली ताकतें हैं, वही शैतानी ख्वाहिशें हैं। सिमसिम, मेरे सारे शैतानों में सबसे काबिल और सबसे अकलमंद तुम हो सिमसिम। मुझे तुम पर नाज है सिमसिम। मेरे नूरे ने कहा, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। अब वक्त आ गया है उस शख्सियत से रूबरू होने का जिसके पास पाक ताकतों से भरा रोशन दिल है। कौन मेरे नूरे ने कहा? मेरी बहन, मेरी आपा रोशनी। जानती थी इस दुनिया में लौटकर सबसे पहले वो मेरे पास ही आएगा। मैं जो करने जा रही हूं वो करना बहुत जरूरी है। क्या अम्मी? मुझे मेरी अमानत लौटा दीजिए और मैं आपकी जान बख्श दूंगा। एक माँ का दिल उसके बेटे में बसता है और मेरा दिल मेरे बेटे के पास है। तुम
चाहकर भी कभी वहां तक नहीं पहुंच पाओगे इब्लिस। तुम चाहे जितनी भी काली ताकतों का इस्तेमाल क्यों ना कर लो, लेकिन तुम अली और मेरी रोशन दिल तक कभी पहुंच नहीं पाओगे, उसे कभी हासिल नहीं कर पाओगे। आपा, आज कुछ वक्त के लिए आपने अपनी जान बचा ली। तुमने जो हिमाकत की है इसकी सजा मिलेगी, आपको नहीं तो आपकी इस दुनिया को, जिसके लिए आपने अपने भाई को दगा दिया। नहीं इब्लिस, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मत करो ऐसा। सालों बाद शहंशाह शैतान उतराए जमीन पर, तो तबाही तो आएगी, जलजला तो आकर रहेगा। जंगल में कोई ऐसा है जिसे मेरा यहां होना पसंद नहीं आ रहा। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। बहुत खूब। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.